हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमय कहानियाँ लेकर आती हूँ, और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मैंने किसी तरह सोने की कोशिश की। अगले दिन हम जल्दी उठ गए। उस रोज़ मैं काम पर नहीं गया। मुझे उम्मीद थी कि हम जितनी जल्दी कोशिश करेंगे उतनी जल्दी उस बच्ची का परिवार उसे मिल पाएगा। ज़्यादा देर करने से कोई फ़ायदा नहीं था। उस रोज़ मैंने आसपास के इलाकों में कई जगह पूछताछ की उसके बारे में। मैं चाहता था कि वो भी मेरे साथ चले, पर वो मेरे साथ नहीं आई। वो घर पर ही रुकी रही। उसने कहा कि बाहर जाने में उसे डर लगता है। कहती है कि अजीब चेहरे उसे अजीब तरीके से घूरते हैं और वो उन्हें देखना पसंद नहीं करती। समझ सकता हूँ, मैं भी ऐसे वक्त से गुज़रा और मेरे लिए भी वो वक्त बहुत मुश्किल था। हो सकता है कि ये अभी शुरुआत हो उसके लिए। हो सकता है कि उसने भी ये सब कुछ देखना बिल्कुल अभी अभी शुरू किया हो। और फिर भी उसके परिवार को तो ढूंढना था। अगर वो मेरे साथ होती तो शायद ज़्यादा आसानी होती उसके परिवार को ढूंढने में। मैंने सोच लिया था, पूरी कोशिश करूँगा उसके माँ बाप को ढूंढने की। पर अगर उसके माँ बाप ऐसे कुछ लोगों में से हैं जो उसे अपने साथ रखना नहीं चाहते या उसे अपने साथ रखने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो मैं उसे अपने साथ ले आऊँगा। वो आराम से मेरे साथ रह सकती है। मैं समझ सकता हूँ कि उस पर क्या बीतती होगी। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा देखा था जब मेरे अपने ही मुझसे मुंह मोड़ने लगे थे। वो लोग जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा चाहता था, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। सिर्फ मेरी मॉम थी जो मेरे साथ थी, पर जब मैंने सुसाइड करने की कोशिश की उसके बाद उन्होंने भी आके सबकी बात मान ली और मुझे मेंटल असाइलम भेज दिया गया। वहाँ की ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल होता है, सिर्फ वहाँ जाने वाला समझ सकता है। हर रोज़ ऐसे लोगों को देखना जो न तुम्हें समझते हो ना ही तुम्हारी बातों को सुनने में कोई दिलचस्पी रखते हो। हर एक इंसान, हर एक चेहरा ऐसा जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पागल समझता हो। कोई ये नहीं समझता कि मुझे कैसा महसूस होता है उन अजीब चीज़ों को देखने में। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे सालों तक ना जाने कितनी और कैसी दवाइयाँ खिलाईं। कभी किसी दवा का डोज कम कर देते, कभी ज़्यादा, पता नहीं कौन कौन सी थेरेपीज इस्तेमाल की मुझ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। आखिर में मैंने सोच लिया कि अगर मुझे निकलना है तो सिर्फ एक ही तरीके से बाहर निकल सकता हूँ, और वो तरीका है सबसे झूठ बोलना। अगर वो चीज़ मुझे ज़िंदगी भर दिखने ही वाली है तो उसे बदला नहीं जा सकता। इन 6 सालों में मैं ये समझ गया था, और इसलिए मैंने मेरी ज़िंदगी को वैसा ही जीने का फ़ैसला किया जैसी वो मुझे मिली है। उस रोज़ मैं काफ़ी देर तक बाज़ारों में, सड़कों पर भटकता रहा लोगों से बातचीत करने के लिए, पर किसी ने भी मुझे कोई वाजिब जवाब नहीं दिया। सब मुझसे बस एक ही बात पूछते थे कि वो बच्ची कहाँ है या वो कैसी दिखती है। इसलिए मैंने फैसला लिया कि अगर वो मेरे साथ बाहर बाज़ार में नहीं जाना चाहती तो मैं एक कैमरे के ज़रिए उसकी एक फ़ोटोग्राफ ले लूँगा, और उस फोटोग्राफ से मैं सभी से पूछताछ कर पाऊँगा। और वो छोटी बच्ची है, मैं उसे लेकर घर से ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकता। मैं भला उसे लेकर कहाँ कहाँ भटकता रहूँगा। एक तरह से उसका घर पर रुकना भी सही हुआ। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं कल ऐसा ही करूँगा। मैं वापस अपने घर की तरफ जाने लगा शाम होते होते। जब मैं वापस अपने घर की तरफ जा रहा था तब ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा,
वही अजीब चेहरे वाला बूढ़ा इंसान जो हमें कल नज़र आया था, वो मेरे पीछे आ रहा था। वो लगातार मुझे घूरता जा रहा था और वो पलके नहीं झपका रहा था। इस बार मैंने साफ देखा और इसका एक ही मतलब था। इतने सालों से मैं जिस डर पे काबू पाता आ रहा था, अचानक आज उसी डर ने मुझे पूरी तरह घेर लिया था। मैं बहुत घबरा गया था उसे मेरे पीछे देखकर। मैं तेज़ कदमों से आगे बढ़ता जा रहा था, पर उसके और मेरे बीच की दूरी बढ़ ही नहीं रही थी, बल्कि वो मेरे और करीब आता जा रहा था। मैंने अपने चारों तरफ नज़रें घुमा कर देखा। ऐसा मालूम हो रहा था कि मैं चारों ओर से काले सायों से घिर चुका हूँ और वो किसी भी वक्त मुझ पर हमला करके मुझे भी अपने जैसा बना देंगे। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, सांसें बेतरह ऊपर नीचे हो रही थी और माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। मैं कुछ देर तक उसी तरह तेज़ कदमों से चलता रहा और उसके बाद मुझसे नहीं रहा गया और मैंने भागना शुरू कर दिया जितना तेज़ हो सकता था। मैं भागता रहा और अचानक ही मुझे अपने सामने मेरा घर नज़र आने लगा। ये बात मुझे बहुत अजीब महसूस हुई क्योंकि मेरे हिसाब से अभी मेरा घर काफ़ी दूर था, पर फिर भी मैंने मेरा घर सामने देखकर राहत की सांस ली। मैं भागते हुए वहाँ तक पहुँचा और मैंने घर का दरवाज़ा खोला और घर के अंदर दाखिल होने के बाद मैंने उसे फिर से अंदर से बंद कर लिया। और जैसे ही मैंने घर की लाइट्स ऑन की, मैं अपने आसपास के माहौल को देखकर पूरी तरह चकरा गया। वहाँ अजीब तरह के लोग बैठे हुए थे, मुझे घूर रहे थे। एक पल में मुझे ऐसा महसूस होने लगा मानो मैं अपने बचपन में पहुँच गया हूँ, एक अंधेरे कमरे में हूँ और उसी डर से जूझ रहा हूँ जिससे इतने सालों से भागता आ रहा हूँ। वो मेरे चारों तरफ थे और मुझे अजीब नज़रों से घूर रहे थे। मुझे अचानक ही बहुत घबराहट महसूस होने लगी और तभी एक हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो वही बूढ़ा इंसान था। मैं बुरी तरह घबरा चुका था और सिवाय चीखने के और कुछ नहीं कर पाया। जब मेरी आंखें खुली तब मैंने खुद को सड़क के किनारे बेहोश पाया। एक घंटा बीत गया था मुझे वहाँ पड़े हुए। मैंने अपनी घड़ी पर नज़र लड़ाई। मैं फ़ौरन तेज़ चलते हुए अपने घर की तरफ गया। मैं बहुत घबरा गया था। घर पहुँचने के बाद मैंने राहत की सांस ली और वहाँ उस छोटी बच्ची को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप आ गए अंकल? हाँ मैं आ गया बेटा। आपको मेरी मॉम के बारे में कुछ पता चला? हाँ फ़िलहाल तो कुछ नहीं, पर उम्मीद है कि मैं उन्हें ढूंढ लूँगा। मैंने कई लोगों से पूछताछ की पर वो जानते हो वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो चाहते हैं कि तुम मेरे साथ होते और वो तुम्हें देख पाते ताकि वो तुम्हें पहचान सकें। ओह पर आप जानते हैं ना, मुझे बाहर जाने में बहुत डर लग रहा है। वो अजीब लोग मुझे बहुत डरावने लगते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ रुक सकती हो, मेरे पास एक और तरीका है। मैं तुम्हारी एक फ़ोटोग्राफ खींचूंगा और उसे ही दिखाकर लोगों से पूछताछ करूंगा। हो सकता है उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ पता हो या तुम्हें जानते हो। वैसे तुम लोग कितने दूर से यहाँ आए थे घूमने? मुझे नहीं पता, पर जब मॉम ने मुझे मेरे स्कूल से पिकअप किया था उस वक्त 3 बज रहे थे और जब हम यहाँ पहुँचे उस वक्त तकरीबन 4 बज चुके थे। ओह मतलब यहाँ 1 घंटे की दूरी पर कहीं तुम्हारा स्कूल होगा। और तुम्हारा स्कूल? हम उससे तुम्हारे बारे में पता लगा सकते हैं, पर कल तो वीकेंड है और स्कूल बंद होगा। हाँ ठीक कह रही हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा फ़ोटोग्राफ ले लेता हूँ। मेरे पास कैमरा यहीं कहीं रखा होगा।
अभी ढूंढता हूँ, वो काफ़ी पुराना कैमरा है असल में। आप फोटोग्राफी करते थे? नहीं, मैं नहीं करता था, पर मेरे कुछ दोस्त करते थे और उन्होंने मुझे वो कैमरा गिफ्ट किया था। मेरे पास अभी भी रखा है, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। क्या आपके पास कोई आईना है? मुझे मेरे बाल बनाने हैं, मेरी मॉम हर रोज़ मेरे बाल बनाती हैं। मुझे गंदे बाल अच्छे नहीं लगते। हाँ, मेरे पास आईना है, वहाँ उस कमरे में। जाओ, तुम अपने बाल ठीक कर सकती हो। थैंक यू अंकल। मैं कैमरा खोजने में लग गया, ना जाने मैंने उसे कहाँ रख दिया था। फिर मुझे याद आया कि हो सकता है वो कैमरा मैंने स्टोर रूम में रखा हो, जो ऊपर अटारी पर है। मैं ऊपर की तरफ गया, वहाँ एक बॉक्स में मुझे वो कैमरा मिल गया। किस्मत से उसमें अभी भी जान थी कि वो मेरा काम कर सकता था। मैंने वो कैमरा उठाया और मैं नीचे की तरफ आया। वो छोटी बच्ची बाहर हॉल में ही खड़ी हुई नजर आ गई। ओह, तो तुमने अपने बाल ठीक कर लिए? क्या हुआ, क्या तुमने फिर से कुछ देखा? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। तो तुम परेशान क्यों हो? कुछ कुछ भी नहीं। तो चलो फिर, तुम वहाँ खड़ी हो जाओ, वहाँ रोशनी अच्छी आ रही है। ये थोड़ा पुराना कैमरा है ना, तो रोशनी का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तुम वहाँ खड़ी हो जाओ और मैं तुम्हारी एक फ़ोटो खींच लेता हूँ, ताकि ये कल हमारे काम आ पाए। मैंने फौरन उसका फ़ोटो क्लिक कर लिया और कुछ ही देर बाद एक खल की आवाज़ के साथ फोटोग्राफ कैमरे से बाहर आ गई। उसे साफ होने में थोड़ा वक्त लगता। मैंने उसे उठाकर टेबल पर रख दिया, जब तक वो पूरी तरह साफ नहीं हो जाती। और तब तक मैंने सोचा कि कुछ खाने की तैयारी कर ली जाए। मैंने फौरन फ्रिज खोलकर देखा, वहाँ पर कुछ सब्जियाँ पड़ी थी। तो मैंने फैसला किया कि मैं सूप बनाऊँगा। बहुत दिनों बाद कुकिंग करने का मन कर रहा था। उस बच्ची को मेरे घर पर देखकर मुझे अच्छा लग रहा था। कोई ऐसा तो था जिससे मैं बात कर सकता था सालों बाद। तकरीबन आधा घंटे की मेहनत के बाद मैंने सूप तैयार कर लिया और उसे लेकर उस बच्चे के पास पहुंचा। तभी मुझे उस फोटोग्राफ का ख्याल आया और मैंने सोचा कि अब उसे संभाल कर रख लेना चाहिए। मैं फौरन गया बाहर के कमरे में, अलमारी से मेरा कैमरा और फोटोग्राफ दोनों उठाए। पर जब मैंने उस फोटोग्राफ की तरफ देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक बार को तो मैं थोड़ा चौंक गया था उस फोटोग्राफ को देखने के बाद, पर फिर मुझे लगा कि शायद मेरा कैमरा पुराना हो चुका है। मैंने उस फोटोग्राफ को उसी तरह वहाँ छोड़ा और खाने के लिए उस कमरे में चला गया। मैंने देखा कि वो बच्ची आज ज़्यादा बात नहीं कर रही है, बहुत खामोशी बैठी है। तुम्हें क्या हुआ है बेटा, कोई बात है? तुम इतनी चुप क्यों हो? कुछ कुछ नहीं। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अंकल, मैं आपके कमरे में गई थी मेरे बाल ठीक करने के लिए। हाँ, तो क्या तुमने वहाँ किसी को देखा? नहीं देखा। तो फिर क्या हुआ? वहाँ कमरे में मैंने आईने के सामने जाकर अपने बाल ठीक करने की कोशिश की,
पर मैं आईने में नजर ही नहीं आ रही थी। क्या ऐसा क्यों? क्या आपका आईना खराब है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी कही हुई बात से मेरा दिमाग एकदम चकरा गया था। मैं फौरन वापस उस फोटोग्राफ के पास गया, उसे एक दो बार झटक कर देखा कि हो सकता है कि वो ठीक हो जाए, पर फिर भी वो वैसी रही। दरअसल जब मैंने वो फोटोग्राफ खींचा, उसमें उस छोटी बच्ची की तस्वीर आई ही नहीं। वो दीवार बिल्कुल खाली ब्लैंक नज़र आ रही थी। मेरा दिमाग अभी भी चकरा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। मैं एक बार फिर कैमरा लेकर उसके पास गया और उसकी एक फ़ोटोग्राफ खींची, और इस बार भी वैसा ही हुआ। वो मुझे नज़र ही नहीं आई। इसका क्या मतलब हो सकता है? मैं सर से लेकर पैर तक कांप उठा था ये सोच के कि आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है। इन सब चीज़ों का इशारा सिर्फ एक ही ओर जा रहा था। मैं उसके करीब गया जब वो आराम से बैठकर सूप पी रही थी। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा, वो पलकें नहीं झपका रही थी। क्या हुआ अंकल? कुछ कुछ नहीं, तुम परेशान मत हो, वो आईना ही ख़राब है। मैं कल दूसरा आईना ले आऊँगा। तुम्हें सूप अच्छा लगा? हाँ, ये बहुत अच्छा है। मेरे मॉम डैड मिल तो जाएंगे ना? हम पूरी कोशिश करेंगे। आप परेशान हैं? नहीं, मैं परेशान नहीं। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था कि मैं उसे क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। एक बिल्कुल मासूम सी बच्ची जो जानती ही नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे अभी तक इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि अब वो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। अब वो इंसानों का हिस्सा नहीं रह गई है। अगर उसके माँ बाप उसे मिल भी जाएंगे, फिर भी उसे देख नहीं पाएंगे। और उन हालात में उसे कितना दुख होगा वो सोचने से भी बढ़कर था। मेरे लिए खुद को ये समझा पाना मुश्किल हो रहा था कि वो बच्ची जिसे मैं अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ, वो जिंदा ही नहीं है। और ये बात मैं उसे कैसे समझा पाऊँगा जिसे इन सब बातों का कोई अंदाज़ा ही नहीं है। वो जानती ही नहीं मौत क्या होती है। और एक हंसती खेलती बच्ची अचानक से इस दुनिया से चली गई और उसे खुद नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। वो अभी भी खुद को जिंदा मानती है। इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे ठीक से खाया नहीं गया और ना ही मुझे नींद आई। रात के वक्त अचानक फिर से मैंने उस खिड़की से उस साए को झांकते हुए देखा। मेरा सर बुरी तरह चकराया हुआ था और मैं घबराहट में और परेशानी में था। उसे देखकर अचानक ही पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आया और मैं फौरन उस खिड़की के करीब गया और वहाँ जाकर मैंने उससे पता नहीं क्यों बात करनी शुरू की। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। तुम आखिर हो कौन और चाहते क्या हो? क्यों क्यों बार बार मेरे घर के आसपास घूम रहे हो, मेरे पीछे पड़े हुए हो? मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरी प्यारी पोती से लेना देना है। तुम्हारी पोती? हाँ, वो मेरी पोती है। मेरा नाम एडगर है। आज से
8 साल पहले मेरी मौत हो चुकी है। वो मेरी पोती है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे अपने साथ हमारी दुनिया में लेकर जाऊं। पर वो नहीं जानती कि वो अपने माँ बाप से मिलना चाहती है। आप जानते हैं वो कहाँ रहते हैं? तुम जानते हो ना क्या बोल रहे हो तुम? उसके माँ बाप उससे मिलने पर कैसा कैसा व्यवहार करेंगे तुम नहीं जानते हो। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उनकी बेटी उनके आसपास है। सोचो उस वक्त उसे कितना दुख होगा। जानता हूँ, पर वो इतने दिनों से अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत परेशान है। मैं उसे मना भी तो नहीं कर सकता। और अगर उसे दुखी करोगे तो वो अच्छा रहेगा? तो फिर मैं क्या करूं? आप बताइए, उसे उसे कैसे समझाऊंगी? वो अब जिंदा नहीं है। मुझे मुझे कोई अंदाजा नहीं है मैं ये कैसे करूं। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि आप सच कह रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो इतनी प्यारी सी छोटी सी बच्ची ही तो है। वो आखिर इतनी जल्दी कैसे? देखो, हम सबका एक वक्त होता है और इसी वक्त पे हमें जाना होता है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उसे टाल नहीं सकते हैं। और शायद मेरी बच्ची की किस्मत में यही लिखा था। आप उसे कैसे समझाएंगे कि वो एक बार मुझे उससे बात करने का मौका दो, मैं उसे समझा दूंगा। पर वो आपको देखकर डरती है। एक बार मुझे उससे बात करने दो, अगर तुम उससे कहोगे तो वो मान जाएगी। पर उसे अभी सो जाने दीजिए। क्या आप कल सुबह ठीक है? उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। अगली सुबह बहुत मुश्किल होने वाली थी मेरे लिए। सुबह तकरीबन 5 बजे मैंने उस बच्ची को जगाया। हे स्वीटी, अंकल क्या हुआ? तुम उठ जाओ, तुम्हारे घर जाने का वक्त आ गया है। घर? आपको मेरे मम्मी पापा का पता चल गया? हाँ, कोई ऐसा मिला है जो उनको जानता है। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। आप उदास हो रहे हैं, पर मैं आपसे मिलने आया करूंगी। आप सच में बहुत अच्छे हैं। मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगी। आप भी मेरे घर आइएगा। आएंगे ना? हाँ, मैं आऊँगा। फिर मैंने उसके ग्रैंडपा को बुलाया। वो वहाँ आए और उसे देखकर वो मेरे पीछे छुपने लगी। वो उससे डर रही थी, पर फिर मैंने उसे समझाया और वो उनसे बात करने को तैयार हो गई। उसके ग्रैंडपा ने मुझे कमरे से बाहर जाने का इशारा किया और उसके बाद वो काफ़ी देर तक उसे ना जाने क्या समझाते रहे। मुझे अंदर से लगातार उस बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही थी। मन कर रहा था कि मैं कमरे के अंदर चला जाऊं और एक बार उसे देख लूं, पर मैं नहीं गया। कुछ देर बाद वो दोनों ही कमरे से बाहर आए। वो बच्ची, उसकी आंखों में आंसू थे और मुझे भी रोना आ रहा था। वो फौरन भागती हुई मेरे पास आई और मेरे गले लगकर रोने लगी। कोई बात नहीं, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलना है ना, वो तुम्हारी मॉम तक पहुंचा देंगे। आप भी मेरे साथ चलिए ना, प्लीज। हाँ, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। चलो। और हम उसके दादा के बताए रास्ते पर चलते गए और कुछ ही देर बाद हम उसके घर के सामने थे। वो उसे देखकर फौरन पहचान गई, पर जहाँ जाने के लिए वो इतनी परेशान थी, वहाँ
वो आगे बढ़ने में भी कतरा रही थी और एकटक अपने घर को घूरती जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बिल्कुल खामोश खड़ी थी। यहाँ से आगे तुम्हें खुद जाना होगा, अपने घर जाओ और अपने माँ बाप को एक बार देख लो। इतना कहते हुए वो और उसके दादा दोनों घर के अंदर चले गए और जब वो घर से बाहर आए उस लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो फौरन भागती हुई मेरे पास आई, एक बार मेरे गले लगी और जब मैंने अपनी आंखें खोली वो गायब हो चुकी थी। उस रोज़ के बाद से मुझे वो अजीब चीज़ें नज़र आनी ही बंद हो गई। वो सब कुछ क्या था मैं आज भी नहीं जानता, पर उसे याद करके आंखों में आंसू ज़रूर आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके सजेशंस मुझ तक पहुँचाते रहिएगा। थैंक यू।